कांग्रेस पार्टी के वर्कर जो हैं वो किसानों के घर जाएंगे, किसान से तीन सवाल पूछेंगे, आपका नाम, आपका पता और आप पर कितना कर्ज है। कागज का एक पीस किसान को मिलेगा, दूसरा पीस कांग्रेस वर्कर हमारे पास लाएगा। ये सब के सब कागज हम नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएंगे और उन पर जबरदस्त दबाव डालेंगे कि वो किसान का कर्जा, उत्तर प्रदेश के किसान का कर्जा, हिंदुस्तान के किसान का कर्जा करें, बिजली बिल आधा करें और किसान को सही दाम पे अपना अनाज बेचने दें। हम ये यात्रा शुरू की है, क्यों शुरू की है, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं, आपने हिंदुस्तान के 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों का 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किया, ठीक है, अब आप किसान का कर्जा माफ करोगे। कल अखिलेश जी ने तो उठा के तार फेंकने की कोशिश कर दी, अब 4.5 साल हो गए, अगर आपने साइकिल ठीक करनी थी तो उसको 4.5 साल पहले ठीक करनी थी, चुनाव से 4-5-6 महीने पहले आप कहो कि भैया मेरी साइकिल टूटी हुई है अब इसको मैं ठीक करूंगा, तो उसका क्या मतलब। कभी जापान, कभी चीन, तो हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी थोड़ा हिंदुस्तान की ओर देखें, थोड़ा इधर भी देखें, उत्तर प्रदेश के किसान की ओर, और हमारी जो 3 मांगे हैं उनको पूरा करें, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को सही मुआवजा, सही अपने अनाज पे सही दाम।